जालौर में 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जालौर में 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले चित्रवाना तहसील के ग्राम पंचायत परावा में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगो हाथों गिरफ्तार किया है। एसीपी जालौर के उप अधीक्षक अनराज सिंह ने बताया कि परावा निवासी मालाराम पुत्र हेमराज विष्णु ने 10 अगस्त को शिकायत दी कि हक तरक करने के एवज में गणपतलाल मेघवाल के जरिए पटवारी दिलीप गुर्जर ने 5000 रुपये की मांग की है। प्रियवादी मालाराम ने बताया कि उसके दादाजी की मृत्यु के बाद कृषि भूमि का हक तरक करवाने के लिए पटवारी दिलीप गुर्जर ने 5000 रुपये की मांग की और ये राशि गांव के गणपतलाल मेघवाल को देने की बात कही। इस पर एसीपी ने कार्रवाई करते हुए 14 अगस्त को पटवारी दिलीप गुर्जर को और दलाली करने वाले गणपतलाल को 5000 रुपये की रिश्वत लेते गवाहों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस उप अधीक्षक अनराज सिंह के साथ कनिष्ठ सहायक अवतार सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ, कांस्टेबल विक्रम सिंह व अन्य मौजूद रहे। मानाराम बिश्नोई ने दिनांक 10/8 को एसीबी कार्यालय जालौर में आकर के हमें रिपोर्ट पेश की। पटवारी दिलीप गुर्जर है परावा का, वो उसके हक तर के म्यूटेशन की एवज में 5000 रुपये रिश्वत मांग रहा है, जिस पे इसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान पटवारी जी परावा श्री दिलीप गुर्जर ने उसे 5000 रुपये अपने मध्यस्थ और विश्वसनीय गणपत राम को देने के लिए कहा। उस संदर्भ में आज कार्रवाई करते हुए गणपत राम को 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तत्पश्चात बात करवा करके एसओ पटवारी श्री दिलीप गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से परिवादी के काम की पूरी म्यूटेशन पत्रावली तथा दिए गए दस्तावेज सारे जब्त कर दिए, दोनों को दस्तियाब कर लिया गया, कार्रवाई जारी।